नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है। आज का चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम डिटेल में शेयर मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 8-10 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अलग अलग कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में और साथ में कमोडिटी मार्केट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन सभी चैप्टर पर हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे और डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाएंगे। देखिए दोस्तों, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बनने के लिए हमें शेयर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास शेयर मार्केट की कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपके पास, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फंडामेंटल नॉलेज है बट आपके पास टेक्निकल एनालिसिस और कैंडलस्टिक की नॉलेज नहीं है तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इसलिए आपको शेयर मार्केट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक बेस्ट और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि बेस्ट इंडिकेटर फॉर स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग फॉर बिगिनर ट्रेडर। अगर आपने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको प्लीज जरूर देख लें, ताकि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो आपके लॉसेस कम हो सकें। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो और लर्निंग चैप्टर मिस ना हो। दोस्तों, हम ये डिटेल में इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं ताकि आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप शेयर मार्केट की नॉलेज मिलती रहे, क्योंकि अगर आपको बीच में नॉलेज मिलेगी तो आप अच्छे से नॉलेज नहीं कर पाओगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये हमारा आइडिया कैसे लगा। और हाँ दोस्तों, साथ में कमेंट में आप ये भी लिख के बताएं कि अगर आपको किस टॉपिक पर पहले चैप्टर चाहिए, या मींस किस टॉपिक पर पहले लर्निंग चाहिए, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसी चैप्टर पर हम डिटेल में वीडियो बनाएं। जिस चैप्टर पर कमेंट ज्यादा आएंगे फिर हम उसी चैप्टर पर वीडियो ज्यादा बनाएंगे। दोस्तों, वीडियो को प्लीज पूरा जरूर सुने, बिकॉज आज हम वीडियो के मिड में और लास्ट में एक और स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए आज का चैप्टर डिस्कस करते हैं, व्हाट इज स्टॉक और शेयर मार्केट। बेसिकली स्टॉक और शेयर मार्केट दोनों एक ही है, दोनों का नाम एक ही है। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को सट्टा बाजार का भी नाम देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें सट्टा बाजार की तरह ही काम होता है। स्टॉक मार्केट की जरूरत क्यों है, व्हाई? देखिए, सभी को पैसा कमाना अच्छा लगता है, पैसा कमाना किसी को बुरा नहीं लगता। इसलिए हर कोई इन्वेस्टर और ट्रेडर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहता है और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी हो या छोटी हो, सारी सभी कंपनी ने उनको अपने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए उनको भी पैसा चाहिए होता है, तो वो भी स्टॉक मार्केट की ही हेल्प लेते हैं। और हमें भी पैसा कमाना है तो हमें भी स्टॉक मार्केट की हेल्प लेनी पड़ती है। शेयर मार्केट को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम किसी भी दुकान या शॉप में मिल्क, फ्रूट्स,
बिस्किट खरीदने जाते हैं, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में बायर कंपनी के ऑनलाइन शेयर परचेज करते हैं। जैसा कि एक दुकानदार तभी अपना सामान सेल कर पाता है जब कोई उसको बायर खरीदने वाला होता है, ठीक वैसे ही शेयर मार्केट में कोई सेलर तभी अपना स्टॉक को सेल कर सकता है जब सामने बायर खरीदने वाला हो, या फिर बायर एक शेयर को तभी खरीद सकता है जब सामने सेलर उस प्राइस पर वहां पर कोई सेल कर रहा हो। वैसे आज की डेट में शेयर मार्केट में यह प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको एक ही टाइम पर बहुत से बायर और बहुत से सेलर मिल जाते हैं। बहुत ही रेयर केस में होता है कि कभी एक टाइम पर सिर्फ बायर ही हो और कभी एक टाइम पर सिर्फ सेलर ही हो। शेयर को स्टॉक एक्सचेंज करने के लिए इंडिया में मेजर दो ही स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। मींस बायर और सेलर के बीच में शेयर एक्सचेंज करने के लिए इंडिया में मेजरली NSE और BSE के माध्यम से ही स्टॉक एक्सचेंज किए जाते हैं। लेकिन हम NSE और BSE से डायरेक्ट हम बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हैं, हमें ब्रोकर्स की हेल्प लेनी पड़ती है, हमें ब्रोकर के द्वारा ही बाइंग और सेलिंग करनी पड़ती है। और ब्रोकर की हेल्प लेने के लिए हमें ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए हमें सेविंग अकाउंट की भी जरूरत पड़ती है और अपने KYC की भी जरूरत पड़ती है। हमारा सेविंग अकाउंट और डॉक्यूमेंट हमारे डीमैट अकाउंट से लिंक किए जाते हैं, उसके बाद ही हम अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से किसी भी कंपनी के शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। हम कंपनी के शेयर्स दो प्रकार से खरीद सकते हैं, एक हम IPO के थ्रू और दूसरा हम एक्सचेंज के थ्रू, एक्सचेंज NSE और BSE के ही थ्रू। IPO का मीन्स क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसमें हम डिटेल में फिर कभी वीडियो बनाएंगे, अभी हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। IPO में क्या होता है? कंपनी को जब अपना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी को अपना जब बिजनेस एक्सपेंड करना होता है तो अपने IPO के माध्यम से वो शेयर इशू करती है और उसमें स्टार्टिंग में पब्लिक उसमें अप्लाई करते हैं और शेयर्स को। लेकिन अगर आपने IPO के टाइम पर कंपनी के शेयर नहीं खरीदे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपको बाद में मौका नहीं मिलेगा कंपनी के शेयर खरीदने में, बाद में भी आपको मौका मिलता है एक्सचेंज के माध्यम से ही। बिकॉज जिसने कब फर्स्ट टाइम IPO के माध्यम से शेयर बाई किए थे वो कभी ना कभी सेल जरूर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने एक अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है, तो अब हम इसको बेच देते हैं या सेल कर देते हैं। तो ऐसे ही फिर दूसरे किसी बायर के पास चले जाते हैं और ऐसे ही ये रोटेशन चलता रहता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज से कई साल पहले जैसे HDFC बैंक, HDFC, इन्फोसिस, TCS, इन्होंने अपने IPO के माध्यम से अपने शेयर इशू किए थे और आज की डेट में भी हम इनके शेयर बाय कर सकते हैं। आज की डेट में हम इनके शेयर्स वही NSE और BSE के माध्यम से हम अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू हम बाय और सेल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है स्टॉक मार्केट के लिए, है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं एक बार दोबारा हम डिस्कस ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले जैसे बायर ब्रोकर के थ्रू, ब्रोकर में हमें डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है और वो हमारे NSE और BSE के माध्यम से
हम बाय कर सकते हैं, और वैसे ही जब हम सेल करना है तभी हम ब्रोकर के माध्यम से उसको सेल करते हैं। ठीक वैसे ही अगर किसी सेलर ने यह स्टॉक को सेल करना है तो वो ब्रोकर के माध्यम से और NSE और BSE के लिस्टेड कंपनियों पर वो सेल कर सकता है, वो भी ब्रोकर के माध्यम से। ये देखिए, ये NSE की वेबसाइट है, nseindia.com, और ये BSE की वेबसाइट है। आप इनमें अपनी नॉलेज और भी गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने स्टॉक मार्केट के बारे में ब्रीफ में डिस्कस किया। इसके बारे में अलग अलग और भी चैप्टर के बारे में हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ में ही मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 क्रॉस कर जाएंगे, उसके बाद से हम डेली और वीकली बेसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू जरूर देंगे, और साथ में ही आपकी किसी स्टॉक के रिलेटेड भी क्वेरी को लिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।